हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग बर्नौली परीक्षण और द्विपद बंटन के बारे में देखेंगे, यानी कि बर्नौली ट्रायल्स एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बर्नौली परीक्षण यानी बर्नौली ट्रायल्स के बारे में देखते हैं। तो मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ बर्नौली परीक्षण यानी कि बर्नौली परीक्षण। देखिए, ये महान गणितज्ञ बर्नौली के द्वारा किया गया एक परीक्षण है जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। हम लोग इनका एक छोटा सा परीक्षण लेके इसको समझते हैं। इन्होंने एक पासा लिया, ठीक है। हम लोग जानते हैं पासे को जब फेंकेंगे तो उस पर आपको परिणाम क्या क्या मिल सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही सब मिलेंगे, प्रतिदर्श में सही होगा। अब देखिए, हम लोग यहां पर सफलता मानते हैं, एक घटना ई ले लेते हैं कि पासे पर सम संख्या प्राप्त होना, फेंकने पर सम संख्या प्राप्त हो रही है, यह हम लोग मान लेते हैं कि सफलता है। तो जब एक आप पासे को फेंकेंगे तो या तो सम संख्या आएगी या तो सम संख्या नहीं आएगी, है ना जी। तो अगर हम लोग पासे को फेंकेंगे तो हम सम संख्या 2, 4, 6 इसमें से ना कोई मिल सकता है। तो हम लोग मानते हैं कि पासे को फेंकने पर सफलता प्राप्त करना यानी कि सम संख्या प्राप्त होना है। तो इसका प्रायिकता क्या होगा, तो 3/6 कट जाएगा आपका, 1/2 इसकी प्रायिकता होगी। तो अगर हम दूसरे बार फिर कहते हैं एक पासे को फेंकते हैं और फिर से कहते हैं सम संख्या प्राप्त होना, तो उसकी प्रायिकता 1/2 ही होगी। तीसरा बार फेंकते हैं और फिर कहते हैं कि पासे पर एक सम संख्या प्राप्त होना, तो उसकी प्रायिकता 1/2 ही होगी। तो हम जितना बार भी इस पासे को फेंकेंगे हमें हमेशा यही परिणाम मिलेगा, है ना जी, इसकी प्रायिकता हमेशा यही मिलेगी, ठीक है। हम लोग यही परिणाम पाएंगे, यही हमें रिजल्ट मिलेगा कि सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता 1/2 हमेशा रहेगी। तो अगर हम लोग एक पासे को n बार फेंकते हैं, अब ये n बार निश्चित संख्या है, कोई समझे ना बात को, n हमने यहाँ पे कोई निश्चित संख्या लिया है, कोई परिणाम निश्चित लिया है कि 10 बार 20 बार 30 बार ऐसे लिया है। तो परीक्षण जब भी कर रहे हैं हम लोग एक चीज देख रहे हैं कि जितना बार भी आप पासे को फेंकेंगे ये स्वतंत्र है, परीक्षण स्वतंत्र है, इसमें कोई एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। एक बार फेंके ऐसा नहीं है कि एक सम संख्या प्राप्त होगा तो अगले बार कुछ अलग परिणाम हो जाएगा, नहीं। ये क्या देख रहे हैं हम लोग, ये स्वतंत्र घटनाएं हो रही है, ये स्वतंत्र घटना है, यानी कि ये परीक्षण भी स्वतंत्र है। एक बार परीक्षण करने पर उस पर दूसरा बार पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तीसरा बार पे कोई असर नहीं पड़ेगा, दो परीक्षणों से तीसरे पे कोई असर नहीं होगा, है ना, किसी भी परीक्षण पे असर नहीं होगा कितना बार भी आप पासे को फेंकेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि क्या होना चाहिए कि पहले तो परीक्षण जब करेंगे तो उसमें कितना बार परीक्षण किए हमें पता होना चाहिए, परीक्षण आपका स्वतंत्र होना चाहिए। और ये हम लोग देख रहे हैं कि हमें यही परिणाम मिल रहा है कि या तो सफलता प्राप्त होगी या असफलता प्राप्त नहीं होगी, दो ही परिणाम होने चाहिए, या तो परीक्षण सफल हो रहा है या असफल हो रहा है, दो ही परिणाम होने चाहिए, ठीक है, सफलता प्राप्त होना और नहीं होना, यानी कि सम संख्या प्राप्त होना है या नहीं होना। तो यहाँ पे सम संख्या प्राप्त होना सफलता हो गई और सम संख्या प्राप्त नहीं होना सफलता नहीं है, असफलता हो गई। अच्छा, ये भी ध्यान रखना होगा कि जितने बार भी हम लोग परीक्षण कर रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं हमेशा एक ही परिणाम हमें प्राप्त हो रहा है, हमें परीक्षण से जो प्रायिकता मिल रही है वो हमेशा समान रह रही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, क्योंकि ये स्वतंत्र घटना है इसलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो इस तरह के परीक्षण को हम लोग बर्नौली परीक्षण कहेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे हम लोग इसको दो तरीके से परिभाषित करते हैं। सिंपल में ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्वतंत्र परीक्षण जिसमें या फिर जिसके केवल दो परिणाम होते हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सफलता या असफलता कहते हैं, कहते हैं बर्नौली परीक्षण कहलाता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे,
बर्नौली परीक्षण कहेंगे, उसे हम लोग बर्नौली परीक्षण कहेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो इसको हम लोग एक और तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, और मैं यहां लिख देता हूं, यहां लिख सकते हैं कि एक यादृच्छिक प्रयोग के परीक्षणों, प्रयोग के परीक्षणों परीक्षणों को बर्नौली परीक्षण कहते हैं, बर्नौली परीक्षण कहते हैं, बर्नौली परीक्षण कहते हैं यदि यदि क्या क्या कंडीशन हो जाएगा इसके लिए। पहला कंडीशन कि परीक्षणों की संख्या जो हो निश्चित होनी चाहिए, कितना बार परीक्षण किया गया है ये पता होना चाहिए, परीक्षणों की संख्या, परीक्षणों की संख्या निश्चित होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। परीक्षणों की संख्या क्या होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। परीक्षण स्वतंत्र होने चाहिए, परीक्षण स्वतंत्र होने चाहिए, परीक्षण स्वतंत्र होने चाहिए, परीक्षण स्वतंत्र होने चाहिए। अच्छा, और क्या, प्रत्येक परीक्षण में दो परिणाम, स्वतंत्र सफलता या असफलता, है ना जी। प्रत्येक परीक्षण के तथ्यतः दो ही परिणाम होने चाहिए। यानी कि कहने का मतलब सफलता या असफलता। ठीक है, अच्छा और क्या होना चाहिए, तो किसी परिणाम की प्रायिकता प्रत्येक परीक्षण में क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, कोई भी कभी भी चेंज नहीं आना चाहिए। लिख सकते हैं किसी परिणाम की प्रायिकता प्रत्येक परीक्षण में समान रहनी चाहिए, तब वह आपका क्या कहलाएगा, बर्नौली परीक्षण कहलाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे प्रायिकता का द्विपद प्रमेय, वो बर्नौली परीक्षण नहीं है, है ना, उसी को हम लोग देखने वाले हैं। प्रायिकता का द्विपद प्रमेय ये आपके बर्नौली परीक्षण से रिलेटेड है ना जी। बाइनोमियल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी प्रायिकता का द्विपद प्रमेय। चलिए हम लोग पहले इसके कथन को देख लेते हैं और फिर साथ ही साथ इसको समझते भी चलेंगे। इसका स्टेटमेंट देखिए, हम लोग यहां मान लेते हैं कि माना ई एक घटना है, क्या है, कोई आपके पास घटना है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे यह भी मान लेते हैं कि माना स्मॉल पी से रिलेट करते हैं, स्मॉल पी जो है किसी घटना ई की परीक्षण, है ना, एक परीक्षण में होने की प्रायिकता है, है ना। पी जो है मान लेते हैं ई कोई घटना है, जैसे पास से कोई फेंक रहे हैं और सम संख्या प्राप्त होना, यहाँ पी क्या है, उसे सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता है प्रत्येक परीक्षण के लिए। तो हम लोग लिख सकते हैं किसी घटना ई, ई घटना देखना ना, घटना ई के एक परीक्षण में होने की प्रायिकता ये दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका पी से हमने यहाँ पे डिनोट किया। चलिए, तो किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता यहाँ पर क्या है, पी है। ठीक है, किसी एक परीक्षण में, तो अगर नहीं होने की बात करेंगे तो हम लोग उसको क्यू मान लेते हैं, क्यू इक्वल टू, तो क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये नहीं होने की प्रायिकता, जब होने की प्रायिकता पी है तो नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी, वन में से होने की प्रायिकता घटा लेंगे। इसका मतलब ये कि ये क्या है, घटना ई के एक परीक्षण में नहीं होने की प्रायिकता,
क्योंकि हम लोग जानते हैं ना जी, किसी घटना के घटित होने और उसके नहीं घटित होने की प्रायिकता का योग एक होता है। तो इन दोनों का योग एक हो जाएगा ना जी, देख लो हम जानते हैं कि P प्लस क्यू किसके इक्वल होगा 1 के, तभी ना यहाँ देखो ना Q इक्वल टू में हो जा रहा है 1 माइनस P। बात को समझे? अच्छा, हम लोग मान लेते हैं, माना यादृच्छिक चर x लेते हैं, और यादृच्छिक चर x क्या लेते हैं, तो परीक्षण में सफलता की संख्या मान लेते हैं जो परीक्षण किया जा रहा है। मान लेते हम लोग n बार परीक्षण किया जा रहा है, n परीक्षणों में सफलता की संख्या यानी कहने का मतलब है कि घटना ई के घटित होने की संख्या, एन परीक्षण में घटना ई के घटित होने की संख्या को यह व्यक्त कर रहा है एक्स। ठीक है, तो एन परीक्षणों में घटना ई के तथ्यतः आर बार होने की प्रायिकता को कैसे डिनोट करेंगे, पी एक्स का वैल्यू क्या है यहाँ पे, यादृच्छिक चर क्या है आर है, क्योंकि आर बार यहाँ पे आर बार ना हो रहा है जी परीक्षण, आर बार उसमें आपका सफलता प्राप्त हो रहा है, यानी कि x इक्वल टू आर, या फिर इसे ऐसे भी नोट करते हैं पी आर से भी, से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर आप अगर बात करें पी एक्स इक्वल टू आर या फिर पी आर बराबर में क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पे किसको डिनोट कराते हैं, देख रहे हैं कि n परीक्षण में घटना e के r बार होने की प्रायिकता की बात हो रहा है। तो अगर हम लोग बात करें तो इसके लिए हो जाएगा NCR, अभी हम लोग इसको प्रमाणित भी करके देखेंगे, इंटू में P का पावर R और इंटू में Q का पावर N माइनस R, समझ गए ना, तो ये इसके लिए यहां से सूत्र बनेगा। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं PR, इसको हम लोग प्रायिकता फलन भी कह सकते हैं। अच्छा, अगर हम लोग बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से देखें, जो हम लोग 11th क्लास में पढ़े हैं, बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से ये कौन सा पद है, तो हम लोग लिख सकते हैं यह दिख रहा है कि Q प्लस R का पावर Q प्लस P का पावर N के विस्तार में ये क्या होगा, R प्लस वनवा पद ना, है कि नहीं, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, याद होना चाहिए आपको कि a प्लस बी का पावर n के विस्तार में, 11th क्लास में विस्तार में r प्लस वनवा पद जो होता है, आप इसको ऐसे लिखते हैं r प्लस वनवा पद को, यहां पे पहले ऐसे लिख देते हैं r प्लस वनवा पद क्या होता है जी, तो r प्लस वनवा पद होता है n c r, यहां पर हम लोग लिखते हैं a का पावर n माइनस r और यहां पर b का पावर r, ऐसे ना लिखते हैं जी, याद होना चाहिए आपको, याद है ना जी, ये क्लास 11 में हमने पढ़ा हुआ है। तो यहां देखिए, यहां पर ये a है ये b है, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहां पर भी देखो q प्लस p का पावर n के विस्तार में r प्लस वनवा पद n c r, और हो जाएगा देखो किसका, तो इसका पावर n माइनस r और इसका पावर r, समझ गए कि नहीं, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो आप यहाँ पे PR देख रहे हैं, इसको क्या कहेंगे, प्रायिकता फलन कहेंगे, ये धरना PR को हम लोग क्या कहते हैं, प्रायिकता फलन, या इसको भी हम लोग प्रायिकता फलन कह सकते हैं, क्लियर है। चलिए अब हम लोग इसका प्रमाण यहाँ पर देखते हैं, चलिए तो हम लोग इसका यहाँ पे प्रमाण देखते हैं। हम लोग यहाँ मान लेते हैं हमारे पास ऊपर क्या था, ई एक परीक्षण था, ऊपर हमारे पास ई एक परीक्षण था जिसकी प्रायिकता क्या दिया था, पी दिया था, है ना जी। हम लोग देख रहे हैं कि एक परीक्षण में ई घटना की प्रायिकता, ई घटना की प्रायिकता कितनी थी, पी थी ना, ऊपर हमने देखा था पी हमने लिया था। अच्छा, और ई घटना के नहीं घटित होने की प्रायिकता तथा घटना ई के घटित
घटित नहीं होने की प्रायिकता, घटित नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता क्या था, हमने Q लिया था जो कि किसके इक्वल था, 1-P के। ठीक है। अच्छा, जब हम लोग कोई परीक्षण कर रहे हैं, इसे n बार किया जा रहा है, तो अगर हम लोग n बार परीक्षण कर रहे हैं और वहां पर E घटना R बार घटित हो रही है, तो वह कितना बार घटित नहीं होगी, यानी कि वह n-R बार घटित नहीं होगी। जब घटना n बार जब परीक्षण कर रहे हैं और घटना E जो है R बार हो रहा है, तो घटना E कितना बार नहीं होगा, तो जितना बार परीक्षण कर रहे हैं उसमें से जितना बार हो रहा है उसको घटा देंगे तो पता चल जाएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे चाहो तो हम लोग ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी, कि n परीक्षणों में घटना E के तथ्यतः R बार होने का अर्थ है कि घटना ई n-R बार घटित नहीं होगी। अब देखो, अगर हम लोग बात करें कि n परीक्षणों में से r परीक्षण जो है, जो घटना E के घटित होने के लिए बता रहे हैं, उनमें से उनको चुनने का तरीका NCR हो जाएगा कि नहीं। अच्छा, n परीक्षणों में r परीक्षणों जिसमें या जिनमें घटना E होता है को चुनने का तरीका क्या हो जाएगा, तरीका क्या हो जाएगा जी, चुनने का तरीका NCR है। ठीक है। साथ ही ये देख रहे हैं कि N जो परीक्षण ये हो रहे हैं, ये सभी परीक्षण क्या है, स्वतंत्र हैं। ठीक है, ये एक दूसरे पे कोई निर्भर नहीं है, है ना। सभी N परीक्षण स्वतंत्र हैं, सभी N परीक्षण स्वतंत्र हैं, है ना, स्वतंत्र हैं। तो N परीक्षणों में से तथ्यतः R बार घटना E को घटित होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा। तो इसके लिए इसे कैसे डिनोट करेंगे, PX=R या फिर PR से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो हो जाएगा NCR। ये क्या कर रहे हैं, N परीक्षणों में से R परीक्षणों को चुनने का ये तरीका है। अच्छा, अब जब N में से R को चुना जा रहा है, तो घटना P, घटना जो आपका E है, वह R बार घटित होगा। तो R बार घटित होगा और हर एक बार में उसकी प्रायिकता P P P P P P P होगी, तो P into R बार ये हो जाएगा। और R बार जब घटित होगा तो कितना बार घटित नहीं होगा, तो वह N-R बार घटित नहीं होगा, यानी कि नहीं घटित होने की प्रायिकता क्या था, Q था Q into Q, ये कितना बार हो जाएगा आपका, N-R बार। ठीक है, तो अब यहां पे हम लोग लिख सकते हैं therefore कि PR = में हो जाएगा NCR, P का पावर कितना हो जाएगा R, और यहां Q का पावर क्या हो जाएगा N-R, और इसी में लिख देंगे कि जहां P+Q = में क्या है, 1 है। समझ गए, तो हमने इसको प्रमाणित करके दिखा दिया। तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग आगे चलेंगे। तो अब इसके बाद हम लोग द्विपद
बंटन के बारे में आगे बात करेंगे। तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो में ही तक रन लेते हैं। आपको हमारे तीन चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.रविकांतसर.in और यहां जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करेंगे हमारे चैनल्स की वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं।